दतिया संडे सुपर क्लीन 4 का सायरन बजाकर डॉक्टर विवेक मिश्रा ने किया शुभारंभ। सायरन बजते ही सभी ने की एक साथ सफाई, दतिया सफाई में रही नंबर वन। दतिया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मंशानुसार गृह मंत्री के भतीजे डॉक्टर विवेक मिश्रा ने सुपर क्लीन संडे 4 का सायरन बजाकर किया शुभारंभ। नगरवासियों, शहरवासियों ने, शासकीय कर्मचारियों एवं नगरपालिका कर्मचारियों ने एक साथ की सफाई। सफाई में दतिया को नंबर वन बनाना है। तत्पश्चात डॉक्टर विवेक मिश्रा अन्य आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। दतिया ट्रॉफी 2022 का किया उद्घाटन। संडे सुपर क्लीन बड़ौनी का किया शुभारंभ। बड़ौनी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में विजेता उपविजेता क्रिकेट टीमों को ट्रॉफी वितरण की एवं पश्चात डॉक्टर विवेक मिश्रा वृंदावन धाम वाटिका में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। डॉक्टर विवेक मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। गन्ना कृषकों को चेक वितरण किए। इस दौरान जिला कलेक्टर संजय कुमार, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव, दतिया एसडीएम ऋषि सिंघाई, नगर पालिका सीएमओ अनिल दुबे, भाजपा युवा नेता जिला मंत्री भूरे चौधरी, युवा नेता सनत पुजारी, प्रशासनिक एवं भाजपा नेता आ रहे उपस्थित। इस दौरान मंच से क्या कुछ कहा युवा नेता विवेक मिश्रा ने। काफी पॉपुलर हो गया है और स्वच्छता का जो संदेश है वो जन जन तक जा रहा है, घर घर तक जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी वर्गों के बीच में ये चेतना जागी है। सुपर क्लीन संडे के साथ साथ तमाम प्रकार की अन्य कार्यक्रम भी हम लोग कर रहे हैं और उद्देश्य ये है कि इनसे वो हमारे साथ नहीं है लेकिन फिर से होंगे और जिस फिक्र से वो दतिया के तमाम मामलों को देखते हैं और उस बारे में मार्गदर्शन देते हैं और हमेशा इस बारे में फिक्रमंद रहते हैं कि दतिया का नाम रोशन हो, दतिया के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। स्वच्छता वास्तव में हमारे जीवन के गौरव को बढ़ा देता है। स्वच्छता ये कोई सरकार का कार्यक्रम नहीं है, सरकार तो चीजों को आगे बढ़ा रही है, ये एक सामाजिक सरोकार का विषय है। पुड़िया खाई और वही थूक दी, वही रेफर फेंक दिया, ऐसा ना हो। कोशिश करें, धीरे धीरे आदत बदलेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा ना, आपने पहले चला था कि उन्होंने कुछ खाया और जेब में रख लिया। क्यों? वो संदेश है कि हमारा देश साफ होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। ऐसे अपन गंदगी हटाएंगे, स्वाभाविक रूप से बीमारियां भी हटेंगी। जो ऐसी बीमारियां गंदगी से आ जाती हैं, वो बीमारियां भी हटेंगी। हम वैसे भी 2 साल से उभर के आ पाए कोरोना से, कितनी मुश्किलों में उभरे हैं। माई की कृपा थी, आप सबका सहयोग, माई की कृपा और दादा की मेहनत थी जो अपन आसानी से निकल आए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबका सहयोग भी इसमें मिले, सुपर क्लीन बड़ौनी भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। आता है रिश्तेदार, नातेदार, मेहमान, तो लगेगा कि वास्तव में बड़ौनी में कुछ बदला सा है। जैसा आप सब जाते हो दतिया और देखते हो ना, दतिया कुछ बदला सा है। अब कुछ नहीं, बहुत कुछ बदला सा है दतिया। आपके लाडले नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हर संडे को, हर इतवार रविवार को 10 बजे सुपर क्लीन दतिया के नाम से वो प्रोग्राम चला रहे हैं। इसलिए कि दतिया को नंबर वन हर क्षेत्र में बनाना है, बड़ौनी को हर क्षेत्र में हमको नंबर वन बनाना है। आप बड़ौनी को सिर्फ अपने स्थान न माने, घर के बाहर का सिर्फ रास्ता न माने। जैसे ही आप इसको आंगन मान लेंगे अपने घर का, तो ये अपने आप स्वच्छ होता चला जाएगा। क्योंकि रहना आप सबको है, हम सबको है, दूसरा तो आएगा और चला जाएगा। अपन घर की सफाई भी रखते हैं, सिर्फ इसलिए रखते हैं ना कि कोई घर में आएगा तो उसे लगेगा साफ स्वच्छ है। ऐसे ही कोई मेहमान आए तो उसको भी लगना चाहिए नहीं, इनकी गली तो बहुत साफ है। हम सिर्फ अपने घर के आसपास की व्यवस्था को देखें, हम जो देख सकते हैं। यदि हम दुकान वाले हैं तो दुकान की व्यवस्था को देखें कि बाहर कोई कचरा न डाल दे। कोशिश करें, शासन प्रशासन हमको रास्ता दे सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन बिना जन सहयोग के कुछ नहीं हो सकता।
आप सब जन सहयोग के भाव से लग जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा बवनी का अभी पहले नंबर पर चल रहा है ना सीएम साहब, क्या स्थिति है, फर्स्ट पे चल रहा है, आप सबके सहयोग से अभी प्रदेश में पहले नंबर पे है, मेरे को दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब आप सबके कारण से है। ये कोई सीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, सिटीजन का मतलब आप सबके फीडबैक से आया है, ये बात काम तो कर सकते हैं लेकिन बिना आपके सहयोग के नहीं कर सकते। कोई भी अधिकारी हो, चाहे वो पार्षदगण हो, चाहे अध्यक्ष हो, ये सहयोग करेंगे, जमाना आपको है, मेहनत थोड़ी थोड़ी करना है कि अपने घर का कचरा हम ऐसे ही रोड पे ना फेंक दें, घूरे पे ना फेंक दें, छोटे छोटे डस्टबिन की व्यवस्था हम भी करें, शासन प्रशासन भी लगा हुआ है करने में। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।